धर्म शास्त्रों में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि इस रात निकलने वाली चांद की किरणों से अमृत की बारिश होती है। इसी कारण शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रोदय के समय खुले आकाश के नीचे खीर या दूध रखा जाता है, जिसका सेवन रात्रि 12 बजे के बाद किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ज्योत्सना और आप देख रहे हैं हमारा धार्मिक चैनल भक्ति सरोवर। शरद पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर विधि विधान से लक्ष्मी नारायण का पूजन किया जाता है और रात में खीर बनाकर उसे आसमान के नीचे चांदनी में रखा जाता है। आइए जानें क्यों किया जाता है ऐसा और क्या फायदे हैं इस दिन चांदनी रात के नीचे रखी खीर को खाने के। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा धरती के बेहद करीब आ जाता है और इस रात मौसम एकदम साफ होता है। इस रात चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण हो धरती पर अमृत वर्षा करता है। अमृत वर्षा का अर्थ इस दिन चंद्रमा की चांदनी से मिलने वाली ऊर्जा है। माना गया है कि इस रात की चांदनी में बेहद सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, जो बीमारियों का नाश करने वाली होती है। एक अध्ययन के अनुसार ऐसा पाया गया है कि दूध में लैक्टिक अम्ल और अमृत तत्व होता है तथा चावल में स्टार्च पाया जाता है। जब शरद पूर्णिमा की किरणें दूध और चावल से बनी इस खीर पर पड़ती हैं, तो यह चंद्रमा की किरणों से अधिक मात्रा में शोषण करता है और चंद्रमा के सभी सकारात्मक तत्व इस खीर में संग्रहित हो जाते हैं। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों को इस बात की जानकारी थी, इसी कारण शरद पूर्णिमा की रात खीर रखने का विधान बनाया गया था, ताकि इस रात्रि की सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण किया जा सके। शोध के अनुसार यदि इस खीर को चांदी के पात्र में रखा जाता है तो यह और भी अच्छा होता है, क्योंकि चांदी में प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है और इसमें रखे भोजन से विषाणु भी दूर रहते हैं। इसी दिन से शीत ऋतु की शुरुआत भी होती है, इसलिए भी इस दिन खीर खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। इस दिन चांदनी में रखी गई खीर को खाने से शरीर की इंद्रियों को मजबूती मिलती है और तेज बढ़ता है। अस्थमा के रोगियों के लिए शरद पूर्णिमा की रात बेहद लाभदायी मानी गई है। स्वस्थ लोगों को भी इस रात चंद्रमा की रोशनी में टहलना चाहिए और चांदनी में रखी खीर को खाना चाहिए। संभव हो तो इस खीर को चांदी के बर्तन में बनाएं और उसी पात्र में आकाश के नीचे चंद्रमा की किरणों में रख दें। रात्रि 12 बजे से 2 बजे तक रखकर सुबह इसे माँ लक्ष्मी को अर्पित करें, फिर भक्ति पूर्वक प्रसाद रूप में इस खीर को पूरे परिवार में बांट दें। इस रात माँ लक्ष्मी धरती पर विचरण करती हैं, इसलिए माँ लक्ष्मी की पूजा करके इस खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण करना अति उत्तम माना गया है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा पर आधारित यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का हमेशा इंतजार रहता है। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शरद पूर्णिमा के महत्व की जानकारी हो। ऐसे ही अन्य धार्मिक कथाओं के बारे में जानने के लिए कृपया हमारा चैनल भक्ति सरोवर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक नए रोचक वीडियो के साथ हम आपसे जल्द ही दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।